हेलो एवरीवन, एंड अपडेट्स ये है कि आजकल रूम में चार की जगह पांच बेड्स है। एंड उससे भी ज़्यादा अपडेट है कि अभी मेरे बाल देखो आप, ये ना बहुत ख़राब हो गए हैं, बहुत डैमेज हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल में कोई ट्रीटमेंट करो। ऑफकोर्स स्मूदिंग नहीं कराऊंगी, मेरे बाल और ख़राब हो जाएंगे। तो केराटिन एंड बोटॉक्स में मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, तो आज मैं जाने वाली हूँ पार्लर। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू व्लॉग ब्रो। तो यहाँ पे पहले तो देखो, यहाँ मेरा बेड, यहाँ पे और भी तीन चार बेड से, मतलब अब तो रूम में पाँच लोग रह रहे हैं। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कितने शेयरिंग है क्या है, तो ये फाइव शेयरिंग्स है। एंड अभी मैं पहले करूँगी लंच, उसके बाद मैं निकलूँगी बाहर। एंड अब बिफोर वाली वीडियो मैं वैसे शूट तो कर नहीं पाऊँगी, अब अभी देख लो मेरे बाल अभी कैसे दिखते हैं, उसके बाद आफ्टर वाली वीडियो मैं उसके बाद दिखाऊँगी। एंड आज डेट है आई गेस, मुझे याद नहीं है, सॉरी 16th of December, सॉरी हाँ, तो ये डेट है, तो बस याद रखना। एंड आई विल मीट यू गाइस, बाय। बात ये है कि मैं अभी ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सारे लोग सो रहे थे। तो अभी चार बज गए हैं एंड लेट्स गो, और जाती हूँ मैं, देखती हूँ कैसा रहेगा। प्रीति का वेट करते करते मुझे हो गए शाम, और अभी मैं जा रही हूँ। सो अभी मैं एक्सेस मॉल आ गई थी जावेद हबीब में, एंड दे स्टार्टेड द प्रोसीजर ऑफ बोटॉक्स बाय शैम्पूइंग माई हेयर्स। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे दो से तीन बार शैम्पू किया, एंड शैम्पू को वो पाँच पाँच मिनट रख के शैम्पू कर रहे थे अच्छे से, उसके बाद वॉश कर रहे थे उसको। तो क्योंकि मेरे बाल अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिख रहे हो, क्योंकि शैम्पू दो तीन बार हो गए, उन्होंने कहा कि उसको पूरा क्लियर करना है अच्छे से ड्राई करके, ताकि अच्छे से जो उनका क्रीम है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए बालों में। और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखे थे, और एक एक जो हेयर की क्वालिटी होती है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो कह रही थी कि इन्हें प्रेस कर करके लगाओ, अच्छे से लगाओ। तो उन्होंने पूरे बाल में अच्छे से लगा के फिर मेरे बालों को कर दिया ऐसे रैप। एंड मीन टाइम आप सोचो कि इतनी देर 45 मिनट्स तक उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें करना है, 45 मिनट्स के बाद हम इसे वॉश करेंगे या आगे का प्रोसीजर जो भी होगा करेंगे। तो मैं हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा, देखी मेरा वीडियो तो मेरा एक्टिव खाना बन गया कोई बात नहीं, बट हम लोग कर एंड गाइज यहाँ पे ना नेट भी नहीं चल रहा था, करने के लिए कुछ काम नहीं था, तो देखो हम क्या कर रहे थे। एंड सब देख के हंस भी रहे थे, बट हु केयर्स, इतना तो चलता ही है यार, 45 मिनट्स तक कोई इंसान करे तो करे भी क्या। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बोर हो रही थी, एंड उन्होंने कॉफ़ी भी सर्व किया, सब कुछ किया, बट उससे क्या होता है। तो फिर मैं ऐसे दोनों पैर को चेयर में चढ़ा के बैठ गई, अब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो बस थोड़ा खेलने की, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एंड समृति माँ मेरे साथ थी, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये था, क्योंकि मुझे एक पार्टनर मिल गया था साथ में टाइम स्पेंड करने के। अच्छा, तो मैंने ना बोटॉक्स कराने से पहले उनसे अच्छे से पूछ लिया था कि मैं स्मूदनिंग में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने वाले थे, एंड आई न्यू दिस। तो मैंने उनसे काफ़ी बात की कि मुझे क्या कराना चाहिए, तो दो सजेस्टेड मी कि नहीं आप बोटॉक्स के लिए ही जाओ, क्योंकि आपके बाल बहुत थिक है, तो आपके लिए वो अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, केराटिन से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्कैल्प। तो फाइनली 45 मिनट्स हो गए ओवर, एंड मेरा फ्रस्ट्रेशन इज़ टर्निंग इनटू थोड़ा स्माइल। और फिर उन्होंने मेरे बाल को वॉश नहीं किया एक्चुअली, उन्होंने फिर मेरे बाल में कोम्ब किया, एंड सारा जो भी उन्होंने प्रोडक्ट मेरे बालों में लगाया था उनको ड्रायर से अच्छे से ड्राई किया। उन्होंने कहा कि पूरे बाल को अच्छे से ड्राई करना होगा, क्योंकि इसके बाद वो वॉश नहीं करने वाले थे। मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी करवाया भी नहीं, और ना ही मेरे जानने वालों ने कभी ट्राई किया था अभी तक बोटॉक्स। तो फिर उन्होंने काफ़ी टाइम लगा के मेरे बाल को अच्छे से ड्राई कर लिया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आने वाला था जो कि था स्ट्रेटनिंग। तो हाँ गई, उन्होंने बिना वॉश किए मेरे बाल को क्रीम के साथ, प्रोडक्ट के साथ ही स्ट्रेट किया। एंड यार कोई भी करवा लो, कुछ
भी ट्रीटमेंट करवा लो, बट द प्रोसीजर टाइम इट टेक्स और उसके बाद जो उसकी आफ्टर केयर होती है, मेरी आफ्टर केयर देख के तो आप लोग हंसोगे। मैं ज़रूर उसका भी ब्लॉग डालूंगी शॉर्ट्स वीडियो में, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी आजकल तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी, तो यहाँ आप मेरा फ्रस्ट्रेशन देख सकते हो इधर से कोई बाल खींच रहा है इधर से। बट मैं ये बोलूँगी कि एक्सिस में जो जावेद हबीब है, मेरा जो ट्रीटमेंट करे थे उनका नाम शाहीन था, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। एंड तेरे घर में है ना, मेरे घर में ये है, ये इसका बोरा रखा हुआ है, क्या करूँ, घर कहाँ से जाऊँ, घर से तेरे घर पे क्या क्या बता तो, और क्या क्या बता, बोलो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, सर्फ भी नहीं डालना पड़ता है और धो के निकल जाता है। टू होम, सुंदर लग रही हो यार, अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे। उसके बाद मैं वॉश करूँगी तब मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊँगी, फाइनल लुक समझी, और इस लड़की को भी दिखाऊंगी। कुछ अलग नहीं होगा, ऐसे ही अलग होगा, होगा होगा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ेगा। पहुंच गए फाइनली रूम, खाते हैं खाना। घर आके मैंने किया सबसे पहले डिनर, जो कि थी रोटी, अंडा, सैलेड थोड़ा, और ये दाल बची हुई थी दोपहर को मैंने बनाया था इसको। एंड उसके बाद मेरी हालत देखो, मुझे सोने में इतना प्रॉब्लम होता है, मैं बाल को पूरा पीछे लटका के सोने की कोशिश करती थी क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी ऐसे सोना। एंड सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आजकल, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में मैं कुछ अजीब नहीं खाना चाह रही हूँ। एंड नेक्स्ट डे मैं आ गई थी वॉश करवाने के लिए, तो समृद्धि वॉज बिजी इन डूइंग समथिंग, तो मैं अकेली आई थी। एंड फिर से उन्होंने मेरे बालों पे किया कोम, एंड फिर से वो अच्छे से मेरे बाल को स्ट्रेटनिंग करने वाली थी, जो कि मुझे पता नहीं था कि वो फिर से स्ट्रेटनिंग करेगी, तो उन्होंने क्या, एंड शी टोल्ड मी कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि मुझे देख के समझ आ जाता है, तो फिर ठीक है उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया। एंड उसके बाद वॉश किया, एंड ट्रस्ट मी गाइस, शैम्पू करने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे, आई कैन नॉट टेल यू। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, ऑल्दो मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो डालने वाली हूँ तो उसके बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। एंड या मेरा बाल देख के मेरे को प्यार हो जाए।